Zombie Apocalypse. तो आज जो है पहली बार एक बार भैंस का दूध निकाल के देख लेते हैं। पहली बार निकाल रहा हूँ ये, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या निकलता है या नहीं निकलता। इसमें से तो आ ही नहीं रहा। अभी आपने देखा कि मैंने अभी भैंस का दूध निकालने की ट्राई किया था, तो थोड़ा बहुत तो निकल गया था, बट एकदम परफेक्टली नहीं निकल पाया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। बट हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट था तो काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निकला हो, निकल गया था दूध, बट प्रॉपरली निकला। प्रॉपरली कैसे निकलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपरली जो कैसे निकलता है इसका दूध। अभी जो मैंने भैंस का दूध निकाला था वो ये वाली भैंस थी, इसका निकाला था, इसने इजीली निकालने दिया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखते हैं आगे और क्या क्या काम होता है यहाँ पे। तो अब जो है इसको चारा डालते हैं इसको, इन भैंस को। आगे आ जाओ। व्हाट माय गॉड, अब इसमें से इसके लिए खाना ले लेते हैं, डालते हैं। अब एक एक करके इन दोनों को खाना डालते हैं, पहले साल डालते हैं। हट बेटा, हटियो, हटे, हट जा, डालू एक और भर के लाऊं। अब एक तो डाल के एक बार और भर लेते हैं। अब इसमें पूरा स्टोर कर रखा है भैंस के लिए। काम चल रहा सही। वाली भैंस थोड़ी खतरनाक है, इसलिए डंडा लेके जाना पड़ेगा। तो जो विलेज लाइफ होती है बहुत टफ होती है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें चैलेंजेस आते रहते हैं ऐसे छोटे मोटे। ये तो अभी मैंने एक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बट ये जो लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं, इनका डेली रूटीन यही होता है, सुबह 4:00 उठना होता है। फिर हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ के लोग, और आपको आज का जो पूरा ब्लॉग होने वाला है इसी बेस पर होने वाला है कि यहाँ के लोग क्या क्या वर्क होता है, जैसे कि डेली रूटीन में। क्योंकि मुझे 15-16 दिन आए हैं तो काफ़ी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व कर ली यहाँ पे, तो अब उन्हें मैं आपको पूरे दिन में आज वही दिखाने वाला हूँ कि आज क्या क्या यहाँ पे काम होता है। अब ये जो आटा है इसमें आटा मिलाना पड़ेगा, आटा मिला लेते हैं। हट बेटा, अब इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। ये देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत हार्ड है काम। ये सवेरे 4:00 जा लो, सुबह 4:00 तक के करना है सब, तो मजाक नहीं है। अब इस वाले को और इसको दोनों को चारा डाल दिया है, अभी आराम से दोनों खा रही हैं। आओ खाना खाओ, उधर देखो ये भी खा रही है और ये भी खा रही है, इसने तो अपना पूरा मुंह ही गंदा कर लिया है। के बाद का काम देखते हैं कि क्या होता है, अभी तक के लिए इतना ही था। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो अब जो है मैं अपने खेत पे आ गया हूँ। खेत पे जो है भैंस के लिए चारा काटना है, जो हरा वाला चारा जो शाम को डलता है, तो उसके लिए हथियार भी है, तो वो आपको काट के दिखाता हूँ कैसे काटते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार मैं काफ़ी लंबे टाइम तक गाँव में रुक हुआ हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें ट्राई करनी है। तो अभी ये जो पीछे खेत देख रहे हो साले खेत में से काटेंगे, अभी थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे काटते हैं। दोस्तों जैसे कि अब जो है गाय का चारा काटने के लिए आया हूँ मैं, इससे काटते हैं, और ये हमारे जो खेत है पीछे जितने भी देख रहे हो, आओ आ जाओ अब काटते हैं। आ जाओ मेरे, मतलब
ऐसे काट काट के अभी पूरा काट लेते हैं। काट काट के रख लो। तो सारा जो काट लिया है अब इसको लेके चलते हैं घर और उसके बाद काटेंगे शाम को। शाम को दरात यही बोल रहे थे तो सीन ये कुछ ऐसा ही है। अगले दिन की मॉर्निंग है। ये हमारे खेत है सारे पीछे जो है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉपुलर के पेड़ थे। ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे पॉपुलर के, अब ये कट चुके हैं ना, कटवा दिया है हमने। कट जाते हैं और फिर इन्हें बेच देते हैं मार्केट में। इस तरीके से लगे होते हैं यहाँ पे ये पूरे, ये सारे हमारे यहाँ से यहाँ तक ये सारे लगे होते हैं। ये सब कट चुके हैं अब, और आगे मंदिर दिखाता हूँ आपको मैं। इस तरीके से इतने बड़े बड़े पेड़ थे ये, ये सब कट चुके हैं अच्छे तरीके से। ये होते पूरे, ये पॉपुलर के पेड़ कहा जाता है ना, और यहाँ भी लगे होते हैं, ये सारे कट चुके हैं क्योंकि ले आओ। ये हमारा मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर अभी कुछ टाइम पहले बनवाया था, ये है काफ़ी पुराना लेकिन ये थोड़ा रिपेयर हुआ था। ये जो मूर्ति वगैरह अभी 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 रिप्लेस कराए कुछ टाइम पहले। और अब दिखाता हूँ आपको, ये टोल दिखाता हूँ अपना, तो मैं आपको टोल दिखाता हूँ अपना। ये जो हमारा टोल ही है, अभी लाइट नहीं आ रही इसलिए बंद है। किसी दिन आऊँगा दिखाऊँगा आपको ये भी, जैसे लाइट आएगी चला के दिखाऊँगा। फिलहाल तो लाइट नहीं, अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये जो खेत है ये सारे हमारे ही हैं। ये जो ठीक मंदिर के सामने ये पीपल है, पीपल का पेड़ है, हमारे पूर्वजों से, ये पूर्वज का है। कम से कम 200 साल पुराना है ये पेड़, और आज भी एकदम ऐसा है हरा भरा। बहुत पुराना पीपल का पेड़ है हमारा, ये ठीक मंदिर के सामने। और जो यहाँ पे ये जो पेड़ कटे थे, क्योंकि इनका टाइम आ गया था इसलिए सारे पेड़ कट चुके थे, नहीं तो इस लाइन में साइड में लगे हुए थे सारे पेड़, अब कट चुके हैं ये। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का दिन दिखाऊंगा कि क्या है। ये वीडियो इतनी चढ़ता होगा कि बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी बारिश आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। और बारिश में भीग गए, और ये ठीक मेरे घर के यहाँ पे बाहर एकदम जामुन का पेड़ लगा हुआ है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जामुन आई हुई है। अभी 2-4 दिन में पूरी आ जाएगी, वो भी आपको दिखाऊँगा।